पीरियड और सैनिटरी नैपकिन पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन सुर्खियों में है। इस फिल्म की कहानी अरुणाचलम मुरुगनाथम पर आधारित है, जिन्होंने महिलाओं के लिए सस्ते पैड बनाए, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी ऐसा कर सामाजिक परंपराओं को चुनौतियां दे रही हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में करीब 10 महिलाएं पैड बना रही हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े इस जिले की इन पैड वुमेन ने जिले को बीमारियों से मुक्त करने की जिम्मेदारी उठाई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अम्बा खोदरा गांव की ये 10 महिलाएं हैं जो पैड बनाने में जुटी हुई हैं। एक सामाजिक रूप से पिछड़े इलाके में ऐसा कर इन महिलाओं ने काफी हिम्मत का काम किया। बताया जाता है कि शुरुआत में गांव वालों ने न केवल उन्हें रोका था बल्कि उन्हें धमकी भी दी थी, लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के चलते उन्होंने अपना काम करना चालू रखा। पैड बनाने की प्रक्रिया महिलाओं ने खुद के लिए शुरू की थी, लेकिन अब वो इन पैड्स को बेच भी रही हैं। इन पैड से महिलाओं को 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए की आमदनी हो जाती है। इसके साथ ही महिलाओं ने पीरियड्स के बारे में दूसरी महिलाओं को जागरूक करने का भी जिम्मा उठाया है। पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल खतरनाक होता है, इसके बारे में महिलाओं ने अब आवाज उठाई है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है, अब महिलाएं अपने बेटी और बहुओं के लिए खुद सैनिटरी पैड खरीद रही हैं। पीरियड और सैनिटरी नैपकिन पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन सुर्खियों में है। इस फिल्म की कहानी अरुणाचलम मुरुगनाथम पर आधारित है, जिन्होंने महिलाओं के लिए सस्ते पैड बनाए, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी ऐसा कर सामाजिक परंपराओं को चुनौतियां दे रही हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में करीब 10 महिलाएं पैड बना रही हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े इस जिले की इन पैड वुमेन ने जिले को बीमारियों से मुक्त करने की जिम्मेदारी उठाई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अम्बा खोदरा गांव की ये 10 महिलाएं हैं जो पैड बनाने में जुटी हुई हैं। एक सामाजिक रूप से पिछड़े इलाके में ऐसा कर इन महिलाओं ने काफी हिम्मत का काम किया। बताया जाता है कि शुरुआत में गांव वालों ने न केवल उन्हें रोका था बल्कि उन्हें धमकी भी दी थी, लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के चलते उन्होंने अपना काम करना चालू रखा। पैड बनाने की प्रक्रिया महिलाओं ने खुद के लिए शुरू की थी, लेकिन अब वो इन पैड्स को बेच भी रही हैं। इन पैड से महिलाओं को 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए की आमदनी हो जाती है। इसके साथ ही महिलाओं ने पीरियड्स के बारे में दूसरी महिलाओं को जागरूक करने का भी जिम्मा उठाया है। पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल खतरनाक होता है, इसके बारे में महिलाओं ने अब आवाज उठाई है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है, अब महिलाएं अपने बेटी और बहुओं के लिए खुद सैनिटरी पैड खरीद रही हैं।